आज हम लोगों ने मंडल आयुक्त महोदय को बस्ती के जर्जर सड़कों को लेकर के दिया। ये सड़कें पूरे जनपद में बहुत बुरी स्थिति बनी हुई है और एक ऐतिहासिक सड़क है बस्ती शुगर मिल की, जिसको नारंग रोड के नाम से मशहूर है। वो नारंग रोड चूँकि 100 साल पहले जब बस्ती शुगर मिल की स्थापना हुई थी तो उसी दौरान इस सड़क का निर्माण हुआ था। अब PWD ने उसको ले लिया है। समाजवादी पार्टी की जब सरकार 2014 में ये सड़क बनी थी, तब से बड़े वाहनों के नाते ये सड़क जर्जर अवस्था में आ गई हुई है। लगातार हम लोगों ने प्रयास किया कि ये सड़क किसी ढंग से बन जाए, लेकिन माननीय सांसद ने भी इस पर पत्र लिखा, उस पर भी कोई जवाब नहीं हुआ। विधायक द्वारा भी लिखा गया, ये कहना है कि यह सरकार बिल्कुल निरंकुश है, जनप्रतिनिधियों की बात नहीं सुनती। ऐसे समय में एक सड़क और भी है जो रेलवे स्टेशन से बहुमूल्य जो रेलवे से जुड़ी हुई थी, जिसको नगर पालिका ने ले लिया और अब वो 15वें वित्त आय में लाने पे आनाकानी कर रही है। लगातार जो ये बस्ती की शहर से सटी हुई सड़कों की ये स्थिति है, तो ये जाना जा सकता है कि ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति क्या होगी। इस माध्यम से माननीय आयुक्त महोदय से अभी हम लोग मिल करके के आए हैं, उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है और सामने जो है अधिकारियों को डांट भी पिलाई कि शासन के गड्ढा मुक्त योजना को लगातार धज्जियाँ उड़ाने का काम कर रहे हैं। और ये भी हम पूरे ताकत के साथ कहना चाहते हैं कि अगर अविलंब ये सड़क का निर्माण नहीं हुआ तो समाजवादी पार्टी पूरे ताकत के साथ जन आंदोलन के लिए बाध्य होगी और इसका पूरी जिम्मेदारी जिला प्रशासन और प्रदेश प्रशासन को होगा। और नारंग रोड की जो सड़क है ये बहुत पुरानी सड़क है और ये हमेशा विवादों में रहा है। कभी नगर पालिका कहती है हमारे नहीं PWD का, कभी PWD कहती है नहीं हमारे में नहीं, ये नगर पालिका का है। तो इस तरह विवादों में रहकर करीब 10 साल से उसकी बहुत ही ख़राब दशा है। और इस संबंध में हम लोगों ने कलेक्टर को भी ज्ञापन दिया, हम लोगों ने जो है EO को भी ज्ञापन दिया और जब थक हार गए तो अब जाके कमिश्नर साहब को ज्ञापन दिया और कमिश्नर साहब ने यह आश्वासन दिया है कि हम इसको जल्द से जल्द ठीक कराने का काम करेंगे।